हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। नहा धो के हो गई हूँ रेडी और ब्लॉग स्टार्टिंग भी कर चुकी हूँ मॉर्निंग से। और धूप देख सकते हो आप, इतनी तेज़ धूप आ गई ना। कल रात को जागरण था तो हम 2 बजे तक सोए और सुबह जैसे उठ के जल्दी नहाना धोना था। आज भी जो पूजा करनी है तो आज करवाएंगे वो दिन में, उसके लिए मैं भी रेडी हूँ। बच्चे लोग तो अभी सब सोए हैं क्योंकि रात में 2 बजे तक सोए थे, थोड़ी देर लेट हो गए। हाँ तो सुबह सुबह गर्मी होने लग गई, अभी देख सकते हो आप कैसा खुला खुला मौसम हुआ है। सुबह सुबह मम्मी ने आज है ना पूजा के लिए हल्दी भी चाहिए थी। हल्दी निकालने गए पास के खेत में, हल्दी हमारे यहाँ पे होती है ना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, देखो कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं, हल्दी के फ्लावर हैं। किस किस ने ये देख रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी तोड़ के ले आए, मैंने कहा हाँ मम्मी मुझे दे दो ये तोड़ के, अच्छे लग रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे दे दिए तोड़ के। शादी से पहले भी मेरे को एक जगह हल्दी के फूल दिखे थे, मैं उसके बाद आज दिखे हैं। तो मैंने ये हल्दी के फूल तब भी मैं ले आई थी और आज मम्मी से ले लिया मैंने। और कितने सुंदर लग रहे देखो, काफ़ी साल बाद मैंने इतनी अच्छी चीज़ देखी। देखने से आप लोगों को भी अच्छी लग रही है। कल नाइट में इतनी बारिश हुई थी तो भी मतलब गीले तो हैं ये, अभी भी ऐसे हो रखे हैं। और कमेंट करके बताना किस किस ने हल्दी का फूल देख रखा है। इसको देखना भी शुभ रहता है, इसलिए मैंने आप सभी को दिखा दिया कि सबके लिए शुभ होए। अभी मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊंगी, बच्चे सो के उठेंगे तो अभी मैं इनको रख देती हूँ। कल नाइट में मस्त यहाँ पे बिस्तरा लगाया, नीचे यहीं पे सोए थे हम पहली बार, मतलब अपने रूम में नीचे बिस्तर लगा के सोए थे। अच्छा लगा वैसे, अपने घर पर तो खैर अच्छा ही लगता है। ऊपर रख देती हूँ स्लीप में, बच्चे उठेंगे तो दिखाऊंगे। बाकी आज का काम तो यही, बहुत सारे सामान चाहिए बता रहे हैं पूजा के लिए। घर वाले दीदी और ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, दीदी भैया मम्मी सूरज, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ का पानी सब बता दिया गुरुजी ने। और अभी सुबह में करके जाएंगे मेरे मायके के, जो हमारे यहाँ से हिमालय दिखता वहाँ पर पूजा करनी है। और उसके बाद नाइट में फिर नदी में रहता है जो भूमि देव, मतलब वहाँ के देवता रहते हैं, उनको पूजा देना रहता है। तो वही पूजा करवानी थी तो उसी के लिए हम लोग आए थे, आज वो पूजा हो जाएगी। उसके बाद फिर 3 दिन तक मुझे कहीं भी नहीं जाना है, कोई नदी नाले कुछ भी नहीं लांगनी है। तो मैं 3 दिन तक यहीं घर पर ही रहूँगी, ऐसा यहाँ का नियम होता है, हर लड़की के यहाँ पर किया जाता है मायके में बच्चे होने के बाद। तो वही पूजा करवाने के लिए हम घर आए थे। तो देखते हैं दिन भर में क्या क्या होता है, वो दिखाऊंगे ब्लॉग में, आप बने रहेगा। और मिठाई है ना मैंने ना घर वाले दीदी को दी, नाइट में आए वो खाना पीना खिलाया फिर जल्दी से घर चले गए। और नीचे अभी दीदी लोगों को भी नहीं दे रखी है और मम्मी को नहीं, यही वाली दीदी को दे रखी पास में जो है। अब मैं दे देती हूँ मम्मी को, अपने आप बांट दें सबको। देखो सुबह सुबह हाथ हाथ मुँह धो रहा था, अभी नहाया नहीं, इन लोगों को भी बिठाना। तो ताई धो रही है, हाथ पैर धो रही, बोले जूना से खींच दो तो मना कर रहा है धोने लगे। जब भी घर आता एक बार निला देते हैं, ऐसे गुस्सा हो जाता है ऐसे करते करके। और अभी भी हाथ पैर धोने में लगे, कल रात से मतलब बारिश भी हुई थी, कीचड़ में इधर उधर गया। ब्रश ये ब्रश करने का बोला मैंने, ब्रश तो कर लिया और हाथ में ऐसे पानी से धो रहे थे, बोले रुक मैं धो तेरे हाथ पे। अब पूरे हाथ पैर की सफाई हो रही है, अंशु के नहाने को बाद में नहाएगा। ये कैसे चिल्ला रखा और नल में पानी भी बंद हो गया, ऐसे काम। अब मैं जा रही हूँ घर वाले रूम में क्योंकि पूजा पाठ हमारे सब पुराने वाले घर से होती है, तो वहीं से हुई गई। अभी चलती हूँ, मिस्टर जी तो चले गए, बच्चे ये लोग नीचे नाश्ता कर रहे हैं। और आज तो सुबह सुबह इतनी धूप आ गई, पता नहीं दिन में बारिश हो क्या हुई। सुबह से घर वाले रूम में थे और आज मेरा है ना फास्ट डे भी है, बोले पूजा करनी है। गुरुजी जो हैं वो पूजा लेके चले गए हैं, 2-4 जने गाड़ी कर दी वो चले गए। मिस्टर जी तो रात में जाएंगे, अभी और ज़्यादा जने गए नहीं हैं, 4-5 जने ही गए हैं। और मम्मी ने है ना मेरे लिए ककड़ी टूटी, आज मेरा फास्ट है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक छोटे से मैंने खा लिया, इसको भी कट कर रखा है, मिस्टर जी को भी दूंगी इसमें से। और बच्चे भी सोए हैं, उनको क्या रात से है ना, और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मम्मी की मिठाई भी पूरी नहीं हुई, नीचे वाले जेठ जी इनके लिए दिए नहीं थे सुबह से, वो ले जा रहे हैं, मैंने कहा आप दे दो और हम खा लेते हैं ककड़ी। मिस्टर जी ने ऐसे काट दिए छोटे छोटे, देखो कैसा हो रहा टेस्ट।
एक नंबर है ना। कल जो खाया था उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और एक और रखा दीदी ने नीचे। इस बार के गांव में ककड़ी हुई नहीं है ज़्यादा, किसी किसी के हुए हैं तो वहीं से लेके आए हैं। ये तो हमारे घर पे ही लगा था, वहाँ घर वाले बेलवा मम्मी ने लगा रखे थे। और इसका टेस्ट जो रहता है ना, पहाड़ वालों को तो पता है हमारे पहाड़ी खीरा कितना अच्छा लगता है करके। इसकी खुशबू भी ऐसे लग रहा, कितना अच्छा लग रहा है, न जाने शांति मिल रही खुशबू देख के भी। मैं भी खा लेती हूँ। शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके उठ गए थे। अब मैं केला खा रही हूँ, मम्मी भी बैठे हैं, मिस्टर जी भी बैठे हैं यहाँ पे। खुशा ये भी सोए थे पहले, फिर उठ के बैठे। और अंशु तो मस्त अपने खेलने में चले गया, सुबह सोया था और अभी खेलने चले गया घर वाले रूम में। और आज है ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, मैं तो सिर से यहाँ से परेशान हो गई पूरी तरह से। ऐसे ही काम होता, गर्मी ज़्यादा पड़ती तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता। धूप कड़क थी ना सुबह से। 3 दिन तक मुझे अब अपने सिर भी कंघी उंगी भी नहीं करना, सुबह नहा धो के ऐसे ही बांधना है। ऐसी ये पूजा रहती है मेरे को तो, मतलब आज तो नहाई धोई हूँ, कल भी नहीं करना, परसों करेंगे। मन का यार ये कौन सी बात है, मतलब आज मुंह भी नहीं धोना। मिस्टर जी मुझे चिढ़ा रहे थे, बोले मुंह भी नहीं धोना है। अब ये तो खैर गुरु जी से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है करके, देखते हैं फिर जो भी होगा। ऐसे तो दीदी भी आ गए हैं मिलने के लिए, मिस्टर जी और बैठे, मम्मी तो घर चले गए हैं। नैतिक भी बैठा है यहाँ पे, पूजा का बेटा है। यहाँ पे एक प्लांट दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छे हो रखे ना, कितना सुंदर लग रहा है। कौन सा? यहाँ पे है ना पास में भुट्टे भी लगे, उनसे बोल रहा मैं निकाल दूँ क्या। ताई जी लेके आए हैं नीचे, वहाँ रूम में रखे मत कर इसको। अंशु दूसरे के पास वाले दादाजी इनके, सारा खेत खाली हो गया उनका। कोयले में कर रहे थे। हाँ कोयले में ही तो सेकते। और यहाँ पे है ना ये बाजरा हुआ हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी बाली देखो ऊपर पेड़ आ गए ना। यहाँ पे भी कैरियो में ये भुट्टे लगा रखे हैं दीदी ने। और ये कद्दू की बेल है और यहाँ पे केले हो गए। और लकड़ियाँ देखो मैंने दिखाया था ना, स्टोर करके रखे थे, अभी तो ख़त्म हो गए हैं थोड़े बहुत। और ये बाजरा की बाली है देखो, इतने लंबे होते वहाँ नीचे वाले खेत में से इतने ऊपर तक हो रखे। आजकल तो बिल्कुल ऐसा हो गया मौसम यहाँ का, अभी तो अच्छा है वैसे। दिन में ज़्यादा गर्मी, आज धूप आई ना, कल बारिश हो गई थी तो अच्छा हो रहा था, आज धूप की वजह से। और अभी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से नीचे देखने में, देखो। देखो कितना अच्छा लग रहा है सामने गाँव। ये गाँव है ना, बड़ी वाली दीदी जो यहाँ पे बैठे हैं अभी, इनका मायका है यहाँ पे। यहाँ से बस बीच में इतने सारे खेत है, अंशु को वही बता रहे थे मैं, इनका ये ताई जी का मायका है ये वाला गांव, छानी गांव है ये। रौलियाना से सामने दिखता है यहाँ का, और यहाँ से टोटा सिलंग भी दिखता पास में। पर अभी का व्यू देख के आपका मतलब मन हो गया कि हाँ हम भी घूम के आए यहाँ। बहुत अच्छा लगता है मेरे ससुराल से ये सीन, घर के आगे बैठो और इतना अच्छा सीन दिखता तो कितना अच्छा लगता, आप देख सकते हो। ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी हैं इधर। और यहाँ पे नीचे है ना देखो, अरबी के पत्ते तो कोई पूछता ही नहीं। इसके नीचे अंदर से जो निकलती ना वो मुड़ी हुई पत्तियाँ, उसकी सब्जी हमारे यहाँ बनाते हैं। बहुत सारे हुए हैं अभी अलग अलग खेतों में। और ये हुई है धान की फसल, ये सूखे वाले धान बोते ना सूखे वाले खेतों में, ये रेडी हो गए। बाकी जो खेत के हैं वो रोपाई वाले, वो थोड़ा लेट निकलते हैं। ये तो पीले पीले होने लग गए, इस महीने 10-15 दिन में तो कट ही जाएंगे। ये फसलें हुई हैं आजकल हमारे पहाड़ों में। भैया और भी आ गए हैं अभी, बड़े वाले जेठ जी और क्या नाम कहते हैं उनके, अभी सुबह से वो मेरे मायके साइड ही गए थे पूजा करने के लिए। इनने खाना भी नहीं खा रखा है, अब इनके लिए फटाफट खाना बना लेते। सब्जी तो अंदर बना दी गैस में, संजू ने बना दी है रोटी बनाने की तैयारी बाहर। खुशा बेल रही है, संजू बना रही है, अब मेरे को बोली तुम देखो। मेरे को भी चूल्हे में देखना थोड़ा नहीं आता, शुरू से करा नहीं चूल्हे का, तो अभी दीदी है नहीं, दीदी थोड़ा गाय को अंदर बांधने के लिए गए नीचे, तब तक मैं देखती हूँ फटाफट से रोटियाँ उतार लेते हम।
नाइट में देखो आप कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लाइटें जली है ना जगह जगह पहाड़ों पे, ऐसे लाइटें कितनी सुंदर लग रही है देखो। मौसम तो अभी अच्छा हो गया है संजू, और हमने अपना काम वाम करके मैं भी यहाँ बैठी हूँ क्योंकि दिन भर गर्मी हो गई थी। 4 बजे के बाद हम अंदर नहीं गए हैं, इसलिए गांव में आके कलर तुरंत काला पड़ता है। 4 बजे के बाद सब आने जाने वाले भैया और भी आ गए थे, अभी घर के रूम में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे खाना खिलाने के बाद फिर वो लोग चले जाएंगे उधर और हम लोग घर पे रहेंगे। मुझे तो अभी बाहर भी नहीं निकलना रहेगा उसके बाद, और घर के अंदर ही रहना रहेगा। बोल रहे थे आज वो जो रूम से पूजा होगी वही रूम में सोना भी है, तो मुझे शायद आज घर वाले रूम में, पुराने वाले रूम में सोना पड़ेगा। बच्चे वगैरह तो आ जाएंगे यहाँ पे और मैं वहीं सोऊंगी आज पुराने वाले घर में। सारे नियम जो रहते हैं ना पूजा पाठ के, बहुत चीज़ रहते हैं और मैं उसको ब्लॉग में दिखाती भी नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें ऐसी। तो जैसे घर के पूजा पाठ जो भी और रहते तो मैंने दिखाया था पहले ब्लॉग में, अभी वाला आज सुबह का भी नहीं दिखाया, कल नाइट में भी मैंने दिखाया नहीं, वो तो जागरण ही थी कल नाइट में। बच्चों ने डीजे चला के आप देख रहे पीछे से ऐसे कर रहे हैं। भांजा भी आया, मैंने दिखाया था, 2 मेरे हो गए 2 संजना सूरज हो गए, अब इनके ये काम है। आने लग गई घर वाले रूम में, वहाँ से फ़ोन आ गया मिस्टर जी के, जो गुरुजी हैं वो तो आ गए हैं। मैं देखो अभी क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे शायद, अंधेरा भी हो रखा है रास्ते में।